पे लड्डू दिए हैं, दो बार खीर पूड़ी भी दी है और एक बार आम रस में पूड़ी भी दी, और आगे भी हमारे कुछ विशेष भोजन दिए जाएंगे। यहाँ जेपी पैलेस के अंदर लगभग 70 व्यक्ति ठहरे हुए हैं। 25 दिन से दोनों समय निःशुल्क भोजन इनको वितरित कर रहे हैं और इन सब के संत कुछ रोजेदार भी थे, हमने इनकी रोजे की व्यवस्था भी जाकिर भाई गुड्डू से बोल के हमने इनकी व्यवस्था वो रोजे की भी करवाई है इनकी। और पोरवाल समाज जब तक लॉकडाउन चालू रहेगा जब तक इनकी सेवा निरंतर जारी रखेगा। कल ऐसा सुनने में आया था कि आप इनको सेवाएं नहीं देंगे, ऐसा कि कहां तक? नहीं, ये गलत जानकारी है, ये तो खुद भैया लोग ही बोलेंगे। खाना दोनों समय बरोबर पहुँच रहा है। कल रस पूड़ी दी गई थी तो शाम को हमने एक समय ब्रेक दिया था इन लोगों को, हेवी खाना था और हमें बनाने में शाम को 4 बज गई थी सुबह के खाने में, इसलिए शाम के लिए ना था, बाकी तो भोजन इनको दोनों समय और शुद्ध और गर्म भोजन ही मिल रहा है और ये सारे संतुष्ट है, भोजन का इंतजार करते हैं। पर हमारा भोजन में कुछ प्रॉब्लम होती है, अच्छा नहीं होता, तो ये लोग भोजन का इंतजार नहीं करते, ऑटो की आवाज़ सुन के सब लोग नीचे आ जाते हैं। मतलब भोजन की शुद्धता की गारंटी और भोजन तो हमने आप सब लोगों को भी टेस्ट कराया है और आगे भी इससे भी अच्छी अच्छी डिश हम बना के देने वाले हैं इन लोगों को। आप ये किस प्रकार से आगे आप मदद करने वाले हैं, क्या है? अभी कल चूंकि इन लोगों को कुछ भ्रम हो गया था, चूंकि पोरवाल समाज ने कल हेवी खाना दे दिया था, कल पूड़ी और रस पूड़ी दी थी और शाम का ये लोग मना करके गए थे कि हम शाम को, क्योंकि चूंकि 3-4 बज गई थी और पोरवाल समाज हमारे शहर में ऐसा कार्य कर रहा है कि जिसको मैं तो क्या पूरा शहर ही नहीं भूल सकता, और ये यूपी बिहार झारखंड के ये लोग तो कम से कम 1 महीने से हमारे पोरवाल समाज का खाना खा रहे थे, ये तो दोनों समय का जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और कल भी इन्होंने धन्यवाद करा था पोरवाल समाज का, और मैं मेरी तरफ से और सबकी तरफ से पोरवाल समाज का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी विकट परिस्थिति में शहर का वो करके, चाहे तो इनको पोरवाल समाज की ज़रूरत नहीं है देने की, ये ठेकेदार है, इनकी ड्यूटी है ठेकेदार की कि वो इनको खाना खिलाए, पर चूंकि मानवता देखिए पोरवाल समाज की कि पोरवाल समाज ने इनको 1 महीने से खाना इनको दे रहा है और पोरवाल समाज ने बोला है कि जब तक ये यहाँ रहेंगे जब तक हम इनको रोज शुद्ध और बढ़िया खाना देते रहेंगे। मैंने कल मैं इनके पास इसलिए आया हूँ कि इनकी बात चल रही है, कल SDM साहब से मैंने बात करी थी, SDM साहब ने मेरे को आश्वस्त किया है, आज मैं फिर इन लोगों के पास आया हूँ, इनके आधार कार्ड और ये ले रहा हूँ, इनकी और ठेकेदारों का सामंजस्य बना रहा हूँ, सबको मिला के कुछ जन सहयोग से, कुछ यूपी बिहार वाले लोगों से भी हमने बात करी है, पूर्वांचल वालों से भी बात करी है, कुछ स्थानीय लोगों से, सबसे मिल के आज भगवान ने चाहा तो इनको शाम तक हम इनके घर पे रवाना 2-3 बसों के माध्यम से कर देंगे। SDM साहब से हमारी बात चल रही है और हो सकेगा तो कलेक्टर साहब के आने की भी सूचना मिल रही है, हो सकेगा कि उनके हाथों से इनको हम शाम को इनके घरों पे रवाना करने की कोशिश करें, मतलब लगभग आज या कल के अंदर हो। हाँ, कोशिश करीब करीब शाम तक ही, और शाम तक नहीं हुई तो कल सुबह के पहले पहले तो हम इन लोगों को इनके घरों के लिए रवाना कर देंगे। बस वालों से भी बात चल रही है हमारी, चूंकि क्या अमाउंट 3-3.5 लाख रुपये का हो रहा है, बहुत दूर दूर के लोग हैं, 1500-1700 किलोमीटर जाना है इनको, तो कुछ सामंजस्य बना रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत अंश ये दे रहे हैं, थोड़ा बहुत अंश हम ठेकेदार पे प्रेशर बना रहे हैं वो दे, थोड़ा बहुत हम मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम सब लोग भी मिलके कर रहे हैं, ऐसे करके ईश्वर ने चाहा तो इनको हम सुबह शाम में इनके घर पे पहुंचा देंगे। रेल विभाग ने स्पेशल ट्रेन भी चला रखी है जाने के लिए। रेल विभाग ने चूंकि CMO साहब से भी मेरी बात हुई थी, अभी हम रेड जोन में आए हैं और इन्होंने जो हमारे यहाँ की मजदूरों की जो लिस्ट जो बन रही है उसमें भी 15 दिन तक अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि हम अप्रूवल कर पाएंगे और ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इन लोगों की बसों की व्यवस्था करके इनको पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। पोरवाल समाज के लिए प्रणाम कर रहा हूँ, हम लोग के जो भी है सब चीज़ ठीक है व्यवस्था, और जो भी मैंने जब से खाना हम लोग को मिल रहा है सबसे बढ़िया है और हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है, और मैंने 2 टाइम खाना मिलता है, अच्छा हम लोग को लगता है, खाना भी ठीक लगता है, और मतलब हम लोग का हाँ सर पूरा मैंने हेल्प हो रहा है पूरा एकदम।